अब 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए कॉस 4 थीटा। तो सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करेंगे। तो अगर हमें इनिशियल एंड के अबाउट सिमेट्री चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि आर थीटा के लिए हमारे पास पॉइंट मिलेगा आर माइनस थीटा, यानी थीटा को माइनस थीटा में चेंज करके देखो, थीटा इज चेंज्ड टू माइनस थीटा, तो देन आर रिमेन्स अनचेंज्ड, तो देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। तो जैसे करो इससे ऊपर बनेगी वैसे इससे नीचे बनेगी। अब पाई बाय टू के अबाउट और देख लेते हैं, इसमें क्या देखेंगे, थीटा को चेंज करेंगे हम पाई माइनस थीटा में, तो वैसे करने से हो जाएगा 4 पाई माइनस में 4 थीटा, और उससे हमारे पास 2 पाई का मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, थीटा इज चेंज्ड टू पाई माइनस में थीटा, देन आर डजंट चेंज, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। तो कर्व इसके सिमेट्रिकल भी है, यानी जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन जाएगा वैसे ही हमारे पास चारों में बन जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है पोल, ये जिसको ओरिजिन बोलते थे हम, तो देखेंगे ये पोल में से पास करे कि नहीं करे, उसके लिए आर को जीरो करे देखो। तो आर इज इक्वल टू जीरो इफ कोस फोर थीटा इक्वल टू जीरो। तो कोस फोर थीटा हमारे पास जीरो कब आएगा, जब ये फोर थीटा क्या होगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, वेयर एन इज इंटीजर। तो एन की वैल्यूज रख के देखते हैं एक बार, फोर से डिवाइड और कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 8। तो n को क्या रख के देखें, सबसे पहले जीरो रख के देख लेते हैं, तो जीरो के लिए हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, पाई बाय 8, यानी कि 22.5 डिग्री। उसके बाद n को 1 रख के देखो तो ये बनेगा 3 पाई बाय 8। n को 2 रख के देखो तो ये आपके पास 2 और 2 4 और 5 पाई बाई 8। इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो पाई बाई 8 हमारे पास, ये देखिए इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास बन जाता है पाई बाई 4, इसका भी हाफ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। एक तो हमारे पास ये लाइन आ गई जहाँ से ये इसको पोल में से पास करेगी, यानी एक टेंजेंट है, और फिर आया 3 पाई बाई 8। 3 पाई बाई 8 हमारे पास जैसे 1 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 यहाँ मिलेगा। तो इसमें से यहाँ से कैसे लाइन खींच लेते हैं ये, तो ये थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 8। तो करो इसके साथ पोल में से पास करेगी और इसके साथ पोल में से पास करेगी, आगे भी करेगी, आगे फिर हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स में आ जाएंगे वो। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 एंड सो ऑन आर टेंजेंट्स एट पोल। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हम जिसको पढ़ते हैं एसिम्प्टोट्स। अब देखिए जो कर्व है हमारे पास इसमें आर की वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट रहेगी, सिंस आर इज ऑलवेज फाइनाइट फॉर ऑल थीटा इन आर, तो देयरफॉर देयर इज नो एसिम्प्टोट। नेक्स्ट फिर हम करते हैं रीजन। तो देखिए जो कोस फोर थीटा है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, मॉडुलस में देखें तो इसका मतलब क्या रहेगा, तो मॉडुलस आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ये ए बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या पता चल गया, देयरफॉर द होल कर्व लाइज विद इन ए सर्कल
सेंटर्ड एट पोल एंड रेडियस ए। तो ए रेडियस लेकर के उसके अंदर ही हमारे पास पूरा पूरा कर्व बन जाएगा। अब स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करिए। आर हमारे पास है ए कॉस फोर थीटा, तो डी आर बाय डी थीटा निकालते हैं तो वो आएगा ए, ये माइनस में साइन फोर थीटा आएगा और माइनस फोर हमने यहाँ लिख दिया। तो हम निकालते हैं टेंजेंट फाई, इसका फॉर्मूला होता है आर डी थीटा बाय डी आर। उसको लिखने के लिए हम इसको इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये ए कैंसिल हो गया, माइनस आ जाएगा कोस फोर थीटा और बाई में फोर साइन फोर थीटा। आप एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम थीटा, फिर लिख देते हैं हम आर, फिर लिख देते हैं हम, क्योंकि डायरेक्ट फाई तो आ नहीं रहा तो टेन फाई ही लिख देते हैं, और उसके बाद फिर फाई लिख देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो निकालना। तो देखिए थीटा सबसे पहले लेके चलते हैं जीरो, तो जीरो के लिए आर की वैल्यू हमारे पास आई थी ए, टेंजेंट फाई हमारे पास आएगा जीरो रखेंगे तो कोस जीरो वन और साइन जीरो जीरो, तो ये आपके पास इन्फिनिटी टाइप का बन गया, तो ये इन्फिनिटी, इसलिए जो फाई हमारे पास क्या बन जाएगा पाई बाय टू। यानी जब ये पॉइंट आया हमारे पास जीरो के लिए ए डिस्टेंस, तो ए डिस्टेंस हमने इतनी मान ली, तो ये पॉइंट हो गया ए जीरो। यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास एंगल है पाई बाई एट, तो पाई बाई एट के ऊपर आर की वैल्यू हो जाएगी, उसमें पाई बाई एट रखेंगे तो पाई बाई टू, उस पर कोस पाई बाई टू जीरो, टेन फाई ये फिर से जीरो हो रहा है तो ये जीरो, और फाई फिर हमारे पास जीरो, मीन्स एंगल पॉइंट आया जीरो पाई बाई एट, पाई बाई एट को ये यहाँ पर मीट करेगा और यहाँ पर जो टेंजेंट है हमारे पास वो एंगल बना रहा है जीरो, मीन्स जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन हमारे पास टेंजेंट की है। तो ये डायरेक्शन टेंजेंट की सेम है, जैसे इसलिए हमारे पास कर्व कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ से आते हुए इसके साथ ये ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद पाई बाय एट के बाद पाई बाय फोर पे चलते हैं, तो पाई बाय फोर पे आर की वैल्यू क्या बनेगी, ये हो जाएगा पाई, और कोस पाई होता है माइनस वन, तो ये माइनस ए आ गया, और टेंजेंट फाई हमारे पास बनेगा फिर, यहाँ पाई बाय फोर रखोगे तो ये माइनस वन और ये आपके पास हो जाएगा जीरो, तो ये आपके पास आ गया इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट है हमारे पास माइनस ए और पाई बाय फोर, तो माइनस ए का मतलब ये है कि हमें इसके अपोजिट में जाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और अपोजिट बना लेते हैं चाहे तो ये डिस्टेंस ए है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ये पॉइंट आएगा तो इसके अपोजिट में जाओगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगी इतनी सी, ये आ गया। तो यहाँ पर है ये पॉइंट, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है हमारे पास पाई बाय टू की है, यानी यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये करो यहाँ से चली थी और यहाँ से इसको टच किया, उसके बाद ये इसी को अगर आगे बढ़ाएंगे हम तो एंगल हमारे पास इनको बाइसेक्ट करेगा दोनों को, ये आपके पास एंगल है इसके सामने, यानी कि पाई प्लस पाई बाय फोर, दैट इज़ फाइव पाई बाय फोर, और ये एंगल है इसके सामने, इसमें पाई ऐड करोगे तो पाई प्लस पाई बाय एट हो गया नाइन पाई बाय एट। तो इसको टच करते हुए यहाँ से आई थी, उसके बाद यहाँ पहुँच गई तो ये यहीं से निकलेगी करो, यहाँ से आएगी और ये यहाँ से ऐसे। उसके बाद हम नेक्स्ट एंगल लेके चलते हैं थ्री पाई बाय एट, तो उस पर आर की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर हो जाएगा ये थ्री पाई बाय टू, और कोस थ्री पाई बाय टू पे होता है जीरो, और टेंजेंट फाई हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर भी ये वैल्यू जीरो बन जाएगी, तो फाई हमारे पास क्या बनेगा जीरो, मीन्स पॉइंट आया जीरो, डिस्टेंस थ्री पाई बाई एट पे डिस्टेंस जीरो, यानी कि वापस से हमारे पास ये इसी पॉइंट पे पहुँच जाएगी, यानी यहीं से टर्न कर लेगी और इसको ये टच करेगी एट पोल, तो यहीं से हमने इस करण को टर्न कर देंगे और इसके साथ साथ चलने लगेगी फिर ये, और इसमें से निकलेगी फिर ये। अब इसमें से निकल के कहाँ जाएगी, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फिर पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी, ये पाई बाय टू रखेंगे तो ये टू पाई, कोस टू पाई की वैल्यू होती है हमारे पास कोस जीरो वन, और ये ए, तो आर की वैल्यू ए आ गई, और टेंजेंट फाई हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया वन,
और ये बन गया जीरो, तो ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी लिख दो और यहाँ पर पाई बाय टू लिख दो, यानी पाई बाय टू एंगल पे आर की वैल्यू ए आई हुई है। तो जितना ये ए था उतना ही हम ए उतना ही यहाँ ले लेते हैं सेम डिस्टेंस पे, तो ये ए पाई बाय टू वाला पॉइंट आ गया। और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, पाई बाय टू एंगल बना रहा है, यानी अब ये कर्व यहाँ से निकलेगी और इसमें से ऐसे टर्न करेगी, तो इसमें से टर्न करेगी तो फिर आगे, फिर वो आगे चलता रहेगा। तो अब चाहे तो आगे और एंगल ले सकते हैं पाई बाई टू के बाद, हमारे पास आएगा जैसे ये 1 0, ये 1 π/8, 2 π/8, 3 π/8, 4 π/8, फिर ये 5 π/8 का नंबर आएगा, तो फिर वहाँ से जाएगी फिर ऐसे, तो यानी प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, ऐसे गया फिर यहाँ से आया। तो इसके लिए ना पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ बना तो वैसे हमारे पास यहाँ बन जाएगा, यानी ये एंगल पाई बाई एट है तो यहाँ पर ये एंगल मिलेगा हमें थीटा इक्वल टू 5π/8, पाई में से घटा दो सीधा सा, तो जैसे यहाँ से गई वैसे करो हमारे पास यहाँ से ऐसे आ जाएगी इसके साथ साथ। उसके बाद फिर जैसे ये बना है वैसे इसके अबाउट सिमेट्री है, तो इसके लिए हमारे पास ये बन जाएगी और ये करो यहाँ से ऐसे आ जाएगी। उसके बाद फिर जैसे ये लाइन है इसके अपोजिट भी हमारे पास लाइन मिलेगी, एक लाइन फिर हमारे पास ऐसे मिलेगी, ये तो है थीटा इक्वल टू 3π/2। तो चलो सबके नाम रख देते हैं 0, 1π/8, 2π/8, 3π/8, 4π/8, 5π/8, फिर 6π/8 आएगा, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट मिलेगी। फिर 7π/8, फिर ये आपके पास ये है ही वापस से 8π/8, दैट इज़ की पाई। उसके बाद फिर आया 9π/8, फिर 10π/8, फिर ये आपके पास आएगा 11π/8, फिर 12π/8, कैंसिल हो गया 3π/2 बन गया, फिर ये 13π/8, फिर ये 14π/8, और उसके बाद ये 15π/8, उसके बाद ये 16π/8, दैट इज़ की 2π, दैट इज़ 0। अब सिमेट्री का यूज़ कर लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ बनी है तो इसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ करो बनेगी, तो करो यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर देते हैं। अब जैसे यहाँ बनी है इसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ बन जाएगी, तो ये इसको यहाँ से ले जाते हैं ऐसे। अब जैसे ये बनी है इसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ बन जाएगी सेम डिस्टेंस ए पे कट करके, और ऐसे बना दो। और कौन सा रह गया, अभी इसके अपोजिट ये आ गई और एक यहाँ पर हो रहेगी, तो जब नेक्स्ट हम एंगल लेके चलेंगे तो उस पर भी हमारे पास ये यहीं से कट करेगी। या फिर आप समझो कि हमने सिमेट्री का यूज़ कर लिया कि इसके सिमेट्रिकल हमारे पास यहाँ बन गई, और फिर वैसे ही इसके सिमेट्रिकल हमारे पास यहाँ बन जाएगी। वैसे करने को सारे जो भी बना बन गया सारे को हम टेबल से निकाल सकते हैं, लेकिन हमने सिमेट्री का यूज़ कर दिया, जितना बन गया बन गया, उसके बाद सिमेट्री यूज़ करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये कैसे बनेगा, देखिए फर्स्ट हमारे पास स्टार्ट यहाँ से हुआ, यहाँ से चला ऐसे, उसके बाद ये वापस आया यहाँ पर, यानी ये नंबर 1, उसके बाद ये यहाँ पर आया 2, फिर यहाँ पर गया ये 3, 3 पर जाने के बाद फिर ये गया यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर गया ये 5th स्टेप, उसके बाद यहाँ से गया ये यहाँ पर, यहाँ से ऐसे इसको ले लेते हैं हम 6th, फिर यहाँ पे गया ये 7, फिर यहाँ जाने के बाद ये गया यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे गया ये 9, और फिर ये गया इसके बाद यहाँ पे ये 10, फिर यहाँ पर गया ये 11, फिर यहाँ से आइए पहुँचा ये 12, फिर ये 13, फिर यहाँ से गया ये 14, फिर यहाँ पे गया ये 15, और ये 16, तो ये 16 इसने एक तरह से टर्न किए हैं समझ लो, जैसे भी कि ये पता चल गया कि कहाँ से चला है और ये कहाँ से कैसे जा करके पूरा पूरा करो बन गया है।